नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काईनेट टीवी इंडिया। पेश आज के मुख्य समाचार। आज शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन है। नवरात्रि के तीसरे दिन भय से मुक्ति और अपार साहस प्राप्त करने का दिन होता है। इस दिन नव दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की उपासना की जाती है। मध्य प्रदेश के मोहन सरकार ने दमोह जिले के सिंग्रामपुर में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई है। सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में किसानों को 0% की दर पर ऋण देने का फैसला लिया गया, जबकि मध्य प्रदेश में इस बार का दशहरा भी रानी दुर्गावती के नाम पर मनाया जाएगा। इसके अलावा सीएम मोहन यादव ने लाडली बहनों को एडवांस में खुशी देते हुए लाडली बहना योजना की 17वीं किस्त जारी कर दी। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में शुक्रवार को बड़ा नक्सल एनकाउंटर हुआ। सुरक्षा बल ने 37 नक्सलियों को मार गिराया। इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई। इस हाई लेवल मीटिंग में सीएम विष्णुदेव साय भी शामिल होंगे। इस बैठक में नक्सलियों के खिलाफ आगे के लिए रणनीति तय की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को महाराष्ट्र के वाशिम से किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त जारी कर दी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने वहां रैली को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस और उनके सहयोगियों का एक ही मिशन है, बांटो और सत्ता में रहो। वह जानती है उसका वोट बैंक एक रहेगा। हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे, जश्न मनाएंगे। कांग्रेस को अर्बन नक्सल गैंग चला रहे हैं, वह देश विरोधियों के साथ खड़ी है। हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटों पर शाम 6 बजे तक मतदान खत्म हो गया। चुनाव आयोग के शाम 5 बजे तक जारी आंकड़ों के मुताबिक 61% तक मतदान हुआ। आगे आंकड़ों में बदलाव हो सकता है। 2019 के विधानसभा चुनाव में 68.20% मतदान हुआ था। राजस्थान के पोखरण फायरिंग रेंज में बेहद कम दूरी की एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के 3 सफल परीक्षण किए। यह चौथी पीढ़ी का डिफेंस सिस्टम है। इसे बेहद कम दूरी पर कम ऊंचाई वाले हवाई खतरों को बेअसर करने के लिए बनाया गया है। पेरू के लीमा में ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2024 में भारत ने महिलाओं की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल स्पर्धा में 3 पदक जीतकर क्लीन स्वीप किया। दिव्यांशी ने गोल्ड, परीसा गुप्ता ने रजत और इंदौर की मानवी जैन ने कांस्य पदक जीता। यह इस प्रतियोगिता में भारत का पहला क्लीन स्वीप है। इंदौर में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का नया बयान सामने आया है। मंत्री विजयवर्गीय ने बड़ा गणपति से पितृ पर्वत तक शराब और मटन की दुकानें हटाने का निर्देश दिया है। इंदौर के देवी अहिल्याबाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इसके बाद एयरपोर्ट सहित पूरे इलाके में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। आने जाने वाली फ्लाइट्स में सुरक्षा एजेंसियां लगातार जांच कर रही हैं। हालांकि ईमेल भेजने वाले के बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिली है। रोजगार सहायक को नौकरी से हटाने और हाई कोर्ट का आर्डर नहीं मानना धार कलेक्टर प्रियंका मिश्रा और तत्कालीन जिला पंचायत CEO श्रृंगार श्रीवास्तव को भारी पड़ गया है। इंदौर हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। धार्मिक नगरी मैहर शनिवार सुबह जनगणमन से गूंज उठा और एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के तौर पर दर्ज हो गया। सामूहिक राष्ट्रगान में मैहर जिले के 34 स्कूलों के 12,435 विद्यार्थी शामिल हुए। मानसून खत्म होते ही मध्य प्रदेश में मार्च अप्रैल जैसा मौसम हो गया है। दिन में सूरज की तपिश से लोग बेहाल हो रहे हैं। ग्वालियर और खजुराहो में टेम्परेचर 36 डिग्री के पार है। वहीं भोपाल, गुना, दमोह, रीवा, सतना, टीकमगढ़ में भी पारा 35 डिग्री से ज्यादा है। अगले 3 दिन तक मौसम ऐसा ही रहेगा। 8 अक्टूबर को जबलपुर और रीवा संभाग में बूंदाबांदी हो सकती है। मानसून की विदाई 10 अक्टूबर तक हो सकती है। कल दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुभरात्रि।